हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नाइस टेलर। नाइस टेलर पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हैवी साइज शॉर्ट की कटिंग, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। कटिंग करने से पहले चलिए मेजरमेंट को देख लेते हैं, जिस हिसाब से हम शॉर्ट को काटने वाले हैं। शॉर्ट की लंबाई है 28.5 इंच, सीना है 44 इंच, पेट है 45 इंच, शोल्डर है 20 इंच, बाजू है 24 इंच और कॉलर है 16.5 इंच। इसी हिसाब से हम कटिंग को करने वाले हैं दोस्तों। हमने 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसे उल्टा करके हमने बिछा लिया है, क्योंकि इनका सीना ज़्यादा है इसलिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है दोस्तों। सबसे पहले सीधा स्केल लेना है और सीधा स्केल की मदद से इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। इस मार्के के हिसाब से हम अपना कपड़ा बराबर कर लेंगे। किनारे की तरफ हम 2 इंच कपड़ा छोड़ के रखेंगे, जिधर हमें फैशन सटाना है। तो हम इधर 2 इंच कपड़ा छोड़ लेते हैं और एक मार्किंग सीधा कर लेंगे। ये हो गया हमारा मार्किंग सीधा। शॉर्ट की लंबाई है 28.5 इंच, आधा इंच प्लस करके मार्का लगाया जाता है, तो आधा इंच हम प्लस कर दे रहे हैं, 29 पे मार्का लगा देंगे। शॉर्ट हमारा ओपन नहीं है, सीधा है, इसका दामन सीधा है, तो 1.5 इंच रखेंगे। अगर ओपन होता तो 1 इंच रखते। अब यही मार्का हम इधर लगा ले रहे हैं, 29 हो गया और 1.5 इंच दामन के लिए। अब स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा सीधा हो गया। अब चलिए चलते हैं आर्म होल की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम है सीने के चौथाई हिस्से से आर्म होल का नाप लिया जाता है, तो सीना हमारा 44 इंच है, तो इसका चौथा हिस्सा हुआ 11 इंच। तो हम इसमें 1 इंच माइनस करके लगाएंगे। 1 इंच माइनस क्यों किया जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो चलिए हम इसमें 1 इंच माइनस करके 10 पे मार्का लगा ले रहे हैं। 10 पे मार्का हो गया, यही मार्का हम इधर उठा लेंगे। अब इस मार्के को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे दोस्तों। इसमें हम ढाल देंगे 2.25 इंच, 2.25 का ढाल दे दे रहे हैं कंधे का। अब इस मार्के को भी सीधा कर लेंगे। कॉलर हमारा 16.5 इंच, तो 3x3 रख देते हैं। अब इसमें बढ़िया सा गोलाई दे देंगे। तीरा है हमारा 20 इंच, तो 20 का हाफ करके लगाएंगे और आधा इंच इसमें दबाव रखेंगे। सीना है हमारा 44 इंच, शॉर्ट हमारा मीडियम है, अगर फिटिंग होता तो 1.5 इंच, मीडियम है तो 1.25 और लूज होता तो 2 इंच, तो शॉर्ट हमारा मीडियम है तो 1.25 इंच रखेंगे। सीना है हमारा 44 इंच, चौथाई हिस्सा हुआ 11 हम यहाँ रखेंगे और 1.25 इंच लूजिंग रखेंगे, और उसके बाद 1.25 इंच हम हमेशा दबाव लेते हैं, तो 1.25 इंच इसमें हम दबाव रखेंगे दोस्तों। पेट का मार्का 16.5 पे लगाया जाता है, तो चलिए 16.5 का मार्का लगा ले रहे हैं। ये हो गया हमारा मार्का कंप्लीट। पेट है हमारा 45 इंच, 45 का चौथाई हिस्सा हुआ 11.25 इंच, तो 11.25 ले लेते हैं और 1.25 इंच लूजिंग और 1.25 इंच दबाव दोस्तों। अब चलिए चलते हैं हिप की तरफ। हिप का नाप हमने नहीं बताया था, हिप है हमारा 48 इंच, 48 का चौथाई हिस्सा लेंगे तो हो गया हमारा 12 इंच। इसमें हम सिर्फ 1.5 इंच दबाव देंगे, 1.25 इंच हमारा दबाव होगा और 1.25 इंच हमारा फैशन बटन टेक पर चढ़ जाएगा, क्योंकि हिप पे लूजिंग नहीं होता है, 1.5 इंच का हम सिर्फ लूजिंग देंगे। आप चाहें तो जितना सीना है उतना भी रख सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं आता है। तो ये हमारा मार्का कम्प्लीट हो गया। अब चलिए राउंड वाले स्केल को उठाते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया से मिलाना है। अब यहाँ से गोल वाला स्केल लगाएंगे हम। दोस्तों, हम साइड में आधा इंच कम कर लेंगे, साइड वाले हिस्से में हम आधा इंच कम कर लेते हैं कपड़े को दोस्तों। ये हमारा साइड है, तो साइड हमेशा आधा इंच फैशन से कम रहता है और ये हमारा बिल्कुल बराबर है। इससे ये होता है कि शॉर्ट हमारा उठेगा नहीं आगे से, बिल्कुल गिरा रहेगा। अब चलिए चलते हैं आर्म होल की तरफ। लास्ट वाले मार्के से हम 3.5 इंच अंदर ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा हैवी साइज है, तो 3.5 इंच अंदर ले ले रहे हैं। अब इस मार्के को हम राउंड वाले स्केल से मिला देंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो बहुत ही हैवी साइज होता है उसमें कहीं ना कहीं 3.5 इंच आता है। ये हमारा हैवी साइज है, तो इसमें हम 3.5 इंच का खाप देंगे, तो 3.5 इंच पर हमने मार्का लगा लिया है दोस्तों। अब सीधा स्केल लेना है और इसको हम ढाल कर देंगे। ढाल हो गया दोस्तों, ये मार्का हमारा कंप्लीट हो गया।
है। चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपका दामन सीधा है तो हमेशा साइड आधा इंच कम होता है और हमारा फ्रंट वाला पल्ला आधा इंच बड़ा होता है। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। यह हमारा फ्रंट कट के तैयार हो गया। अब चलिए चलते हैं बैक की तरफ। दोस्तों बैक का कपड़ा हमने मोड़ लिया है। फ्रंट में जितना लूजिंग देने के बाद जितना हमारा टोटल तैयार होता है उससे आधा इंच प्लस करके मोड़ लिया जाता है, तो हमने इसे 14.5 इंच करके लमसम मोड़ लिया है। अब सीधा स्केल लेंगे और इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। मार्का हमने ले लिया है, इससे अपना कपड़ा सीधा कर लेंगे। अब इस पर अपने फ्रंट को हम जमाएँगे। नाखून मार के अच्छी तरह से बराबर कर ले रहे हैं। चलिए अपने फ्रंट को जमा लेते हैं। बैक हमेशा 1/4 इंच कम हो जाता है क्योंकि हमारा फैशन जो है बटन टेक पे 1/4 इंच चढ़ जाता है। अब इस पर हम शोल्डर का मार्का देंगे। 20 का हाफ हुआ 10 और आधा इंच हमारा दबाव। यहाँ से कम 1 इंच मार्का ले लेंगे। अब यहीं से अपने गोलाई को हमें बढ़िया से दे देना है। दोस्तों ये हमारा मार्का कंप्लीट हो गया। अब इसी हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों ये हमारा बैक फ्रंट कट के तैयार हो गया। अब फ्रंट वाले पल्ले को हटाना है और बैक वाले पल्ले को 20 सेंटर से 2 सूत कम कर देना है। फिर पीछे वाला हिस्सा कम करेंगे, साइड वाला हिस्सा हमारा नहीं कम होगा क्योंकि वो पहले से ही आधा इंच कम है। फ्रंट हमारा यहाँ 1/2 इंच ज़्यादा है और यहाँ 1/2 इंच कम है, तो बैक भी यहाँ 1/2 इंच कम हुआ था, इसी वजह से बैक को हमने सीधा कर लिया है। दोस्तों बैक फ्रंट हमारा कट के तैयार हो गया। अब चलिए चलते हैं बाजू की तरफ। दोस्तों हमने बाजू का कपड़ा ले लिया है। जितना हमने आर्मोल का मार्का लगाया था उतना ही इस कपड़े को हमें मोड़ना है। तो आर्मोल का मार्का हमने 10 इंच लगाया था, तो 10 इंच कम से कम इसको मोड़ना है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा 10 इंच 10.25 इंच हो गया। अब इसको नाखून से बिल्कुल हमें तोड़ लेना है। एक चाक लेना है और यहाँ से मार्का ले लेंगे। बाजू की लंबाई है 24 इंच, 1 इंच माइनस करके इसमें हम लगाएंगे। 1 इंच माइनस हो गया। इसमें हमें कफ लगाना है 9.5 इंच, तो 9.5 का हम यहाँ पे मार्का ले लेंगे। 1/4 इंच हमारा दबाव है और 1/2 इंच हमारा वेस्टेज कपड़ा रहेगा क्योंकि हैवी साइज है, टाइट नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमें 4 इंच डाल देना है, तो 4 इंच हम पहले ही निकाल देते हैं। और बाजू का मार्का हमने लगाया था 23 पे, तो 23 का हम मार्का यहाँ ले लेते हैं। आर्मोल का हमने नाप लिया था 10 इंच का, तो 10 इंच पे यहाँ पे हम नाप दे देंगे। अब इसे सीधा स्केल से बराबर कर लेते हैं। अब बाजू में हम बढ़िया से ढाल दे देंगे। ये हमारा ढाल हो गया। अब इसी पे हम अपना कटिंग कर ले रहे हैं। अब सिंगल पल्ले को उठाना है और 2 से 2.5 इंच छोड़ के हमें कम से कम 1/4 इंच का हमें खाब इसमें करना है। और इस पल्ले को उठाना है जो हमने नाखून से तोड़ा था, उससे 1/2 इंच प्लस करके इसको रखना है और फिर यहाँ पे एक नाखून से तोड़ लेना है। 5.5 इंच पे कट कर ले रहे हैं। अब यहाँ से बढ़िया से हम शेप दे देंगे यहाँ पे। दोस्तों ये हमारा बाजू कट के तैयार हो गया। अब इसी बाजू को रख के हम दूसरा बाजू काट लेंगे। दोस्तों दूसरा बाजू हमने कपड़े पे बिछा लिया है और इसको हम सेम काट के निकाल देंगे। दोस्तों हमने तीरे का कपड़ा ले लिया और सीधा स्केल लेना है। एक मार्का लेके कपड़े को हम सीधा कर देंगे। 2.25 इंच हमने ढाल दिया था, तो 2.25 इंच ले लेते हैं और इसमें हम तीरा रखेंगे 6 इंच, मार्के को सीधा कर लेंगे। कॉलर के लिए लगाया था हमने 3/3, तो 3 का मार्का यहाँ देंगे। ये हो गया 20 का 1/2 10 और 1/2 इंच हमारा दबाव। इसमें ज़रा सा हम इसमें हल्का सा राउंड हम दे देते हैं। अब सीधे स्केल से हमें ढाल को मिला लेना है। हम बढ़िया सा गोलाई दे देते हैं। ये हमारा मार्का कंप्लीट हो गया। अब इसी हिसाब से हम कटिंग को कर लेंगे। दोस्तों तीरा कट के हमारा तैयार हो गया।
दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।